गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम चेन्नई से आए थे 6 महीने के बाद। तो आपने देखा कि हमारे अगले ब्लॉग में कि हम लोग घर का सफाई उफाई किए, बहुत मेहनत लगा क्योंकि 6 महीना तक हमारा घर बंद था। जब 6 महीना से चेन्नई के माहौल ख़राब होने की वजह से जब हम घर आए तो सब सफाई वफाई किए। फिलहाल आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि क्योंकि सारा सामान खराब हो गया था, इसलिए सर राशन लाने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों 6 महीना बाद हम लोग घर आए तो बिल्कुल सामान सब सड़ गया था। हाँ, और जब जो चीज़ भी खोल रहे हैं पूरा उसमें दिया लग गया है, तो हम लोग सोचे कीड़ा चलो लगा इसको हुआ था, आटा में भी कीड़ा लग गया था, पूरा सामान मतलब खराब ही था। तो उसको सब फेंक दिए हैं। अभी हम लोग मार्केट जाएंगे, झरिया मार्केट, और शॉपिंग करेंगे। फिलहाल आप वीडियो में बने रहें बोलो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हाय सब्सक्राइब क्या बेटी। तो दोस्तों मेरे साथ रह रहा कि मेरा बेटी भी अब कुछ ऐसा ऐसा मजाक करने लगी। ये बहुत देरी से बोल रही थी लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हम सोचे क्या बोल रही है, तो हम सोचे अच्छा बोल के देखते हैं मेरा बेटी क्या बोलती है। तो दोस्तों ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू और चलते हैं सीधे मार्केट, और क्योंकि मार्केट हमारा में जो एरिया है बिल्कुल गंदा है तो आराम से हम लोग को निकलना पड़ेगा। पैदल ही जाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है हम लोग के पास कि गाड़ी वाड़ी से धड़ाक से निकल जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं शिबू? क्या लाने? पानी पूरी लाने जा रहे हैं। इसको दोस्तों सिर्फ पानी पूरी खाने पीने वाला चीज़ ज़्यादा समझ में आता है। तो दोस्तों आपको बृहस्पति बार है और झरिया मार्केट में बृहस्पति बार को ये हाट लगा हुआ है। दिखाते हैं अभी आपको हम कैमरा पीछे करके। कैसे? 25 रुपये किलो। 25 रुपये कैसे? 40। चलो आगे बढ़ो। सो है दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं मार्केट से, और आपको पता है कि हम मार्केट गए थे और लेकिन मार्केट में बारिश हो रही थी, इसलिए मार्केट पूरा खाली खाली दिख रहा था। जी, तो बारिश हो रही थी तो इसलिए मार्केट पूरा खाली था। तो हमने लमसम कितना दिन का राशन लिया है? 15 दिन का। हाँ, उसमें सिर्फ आटा ही है जो 5 किलो आटे है, बाकी सब थोड़ा थोड़ा है, मार्केट है। और उतना ही का बजट था क्योंकि चेन्नई से तो हम लोग चले आए हैं और हाथ में पैसा वैसा भी नहीं था, तो हम लोग चले थोड़ा सा 15 दिन का ही मेंटेनेंस करते हैं। फिर लेंगे, अगला महीना तो लेंगे। देखेंगे जब पैसा वैसा होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि हमने क्या सामान लाया है, ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहें। हम लोग आ चुके हैं सामान लेके, और ये देखिए कुछ सामान है। महंगाई बहुत ज़्यादा है मेरी दोस्त। हम लोग 1500 रुपये में बस थोड़ा सा सामान लेके आए। देखिए नमक है, सर्फ है, मसाला है, ये थोड़ा आटा है 5 किलो, गरम मसाला है, थोड़ा अपना बेटी के लिए सॉस लिए थे, चाउमीन लिए थे क्योंकि उसको कभी कभी भूख लग जाता है तो थोड़ा खिलाना पड़ता है। और बाकी सब कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिए हैं, चीनी, चाय पत्ती ये सब लिए हैं, सत्तू वत्तू है, लाल मिर्चा है, यही सब है, मिर्ची वगैरह वगैरह है। बाकी बहुत बारिश हो रहा था। हाँ, मिर्चा है, और ये दाल है, चना दाल चना दाल काबुली है। चना, हाँ, ताकि मतलब मान लीजिए कि कभी कुछ खत्म हो जाएगा तो एक हम लोग पुलाव दाल वाल चावल है, ज़्यादा लेते हैं। एक पुलाव चावल है, फिर ये पुलाव चावल है, पता नहीं क्या करेगी, पैसा तो लगा दिया चावल है। है, बेसन, हाँ, मतलब चाय ऐसा कुछ पत्ती, लिए हैं जो कि मतलब कभी कभी हम लोग सब्जी वब्जी नहीं रहा दरवाजा पे स्पेशल आया तो ठीक है, ये अपना बेटी के लिए है सॉस, तो बेटी पास्ता मतलब है। बच मेरा बेटी को थोड़ा इधर उधर खाने वाने का थोड़ा है, बच्चा है तो खिलाना पड़ता है, रोने लगती है। बाकी चाय वाय के लिए बिस्कुट उस्कुट लिए हैं, और चावल तो हम लोग कोटा का खाते हैं। आटा वाटा 5 किलो लिए हैं, बहुत महंगा है आटा, 35-40 रुपये है। तो फिलहाल जो भी था यही था। बाकी दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और आप जहाँ से भी इस वीडियो को देखते हैं एक जरूर कमेंट करें। लाइक बाकी करें, हाँ,
ताकि हमारा मोटिव थोड़ा बढ़े। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट कुछ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें जी, आप अपने परिवार के साथ खुशी रही। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।